हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज, स्टार्ट करने वाले हैं 2.1। सो अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 देखने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको ये जो क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ वो ईजी लगें। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन है वो वन वेरिएबल में कौन कौन से हैं, यानी वन वेरिएबल बताने हैं आपको, एंड कौन से ऐसे वेरिएबल, कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो वन वेरिएबल में नहीं है। सो स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो जब आप आंसर करेंगे तो आपको उसका रीज़न भी बताना है। तो अगर हम बात करते हैं वन वेरिएबल की, वन वेरिएबल होता क्या है? वन वेरिएबल का मतलब होगा जब वो क्वेश्चन होगा वो एक ही फॉर्म में होगा, या तो एक्स में या वाई में या जेड में, किसी भी सिंगल में होगा। ठीक है, आप देखिए हम पहचानते हैं इसके फर्स्ट पार्ट में, 4x² 3x एंड 7। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है, एक्स। सो ये क्या होगा? आपका पॉलिनोमियल होगा विद वन वेरिएबल। तो रीज़न क्या लिखेंगे? ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स आर, और एक चीज़ और भी है आपने ये भी देखना है कि जो एक्स के मल्टीपल में है ये 4, 3 एंड 7 सारे कैसे हैं? होल नंबर्स में हैं। सो होल नंबर्स, सो इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल कौन सा है? वो आपका एक्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अब देखिए y² + √2 दिया हुआ है। अब इसमें देखिए y क्या है आपका? एक ही बार में एक ही वेरिएबल गिवन है, y गिवन है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? द एक्सपोनेंट ऑफ y इज़ ए होल नंबर। अब y के मल्टीप्लाई में देखिए क्या है? 1 है, और 1 कैसा है? होल नंबर है। ठीक है, सो तो ये जो पॉलिनोमियल होगा वो कैसा होगा? पॉलिनोमियल होगा ऑफ वन वेरिएबल। सो राइट डाउन करेंगे इसमें कि द एक्सपोनेंट ऑफ y, the exponent of y is a whole number। ये जो आप रूट टू देख रहे हैं ना, ये कॉन्स्टेंट है, इसके इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इसके साथ y या कोई और इन वेरिएबल्स आता ना, तब हम इसको काउंट करते हैं। सो y इज़ ए होल नंबर, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, कौन सा हो जाएगा? y। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट 3 की। देखिए 3√t + t√2। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो t है, ठीक है, वो किस इसकी पावर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3, और ये हमारी t की पावर क्या हो जाएगी इसमें? 1/2 हो जाएगी, एंड 3√2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? t√2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, ये किस में है? जो रूट हमारा t है वो हाफ, यानी कि जो टर्म है इसकी t की जो पावर है वो कैसी है इसमें? हाफ है। t की पावर कितनी है? हाफ। और हमें पता है कि जो हाफ है वो होल नंबर नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। सो राइट डाउन कर देंगे हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ t इन द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में क्या है? इज़ हाफ। ठीक है, विच इज़ नॉट अ होल नंबर। क्लियर। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। सो y + 2/y अब यहाँ पे गिवन है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y + 2y इनवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं -1 की, -1 इज़ अगेन अ नॉट अ होल नंबर। सो हेयर द एक्सपोनेंट ऑफ y इन द सेकेंड टर्म is -1, so which is not whole number, not a whole number, so it is
नोट ए पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। क्लियर। सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 50। अब देखिए इसमें थ्री वेरिएबल्स हैं x, y एंड t। सो थ्री वेरिएबल्स होने की वजह से क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज थ्री वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं, x, y एंड t। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर एक्सरसाइज नंबर 2.1 एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चन। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।